जो बहुत विद्वान होता है ना, जिसमें बहुत सारी विद्वत्ता होती है, शायद इसीलिए रावण को विद्वान कहा है। रावण को क्या कहा है, जम के बोलिए जरा, विद्वान। और हनुमान जी को विद्वान कहा है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। कहीं किसी जगह पर लिखा हो कि हनुमान जी विद्वान है तो जरूर बता। रावण के संबोधन में आता है, रावण संहिता में आता है कि रावण विद्वान है। और हनुमान जी की जितने लाइनें पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा विद्यावान गुणी अति चातुर। यहां विद्वान नहीं लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। यहां विद्वान शब्द संबोधन नहीं है, यहां विद्यावान है। मतलब दोनों में अंतर है। विद्वान होता है व्यक्ति तो उसमें अहंकार आ जाता है, मैंने ऐसा करा, मैंने ये कहा, मैं लंकेश, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं शंकर के उठाकर कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर ले सकता हूँ, मैं सोने की लंका बना सकता हूँ। जो विद्वान होता है अपना बखान स्वतः करता रहता है, और जो विद्यावान होता है उसको बखान की जरूरत नहीं होती, उसका बखान दुनिया करती रहती है, उसको बखान की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती का आनंद पाता। दोनों में अंतर है हमारा। जिसमें जो विद्वान होगा ना, वो दिन भर बैठकर केवल गलतियां छाटता रहेगा, ये क्यों नहीं बोला, प्रसाद सही क्यों नहीं बटा, बेलपत्री खाने से क्या होता है, जबरदस्ती की भीड़ लग रही है, कोई मतलब का नहीं, बताओ इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। वो दिन भर बैठेगा और दिन भर उसमें से जो विद्वान होगा वो यही निकालता रहेगा कि इसमें कमियां कहां से निकालना है, इसमें से ढूंढना क्या गलती है, इसमें से गलती कौन सी स्वीकार करना है। पर जो विद्यावान है उसको गलतियां छांटने से मतलब नहीं होता, उसको केवल एक तत्व से मतलब होता है कि मुझे शंकर का अनुमोदन करना है।